जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का बेअंत शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो गुरु जी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। आज जो सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरे पापा से रिलेटेड है, और कैसे गुरु जी ने उन्हें कोरोना से बचाया, कैसे गुरु जी ने उनकी शारीरिक परेशानियाँ काटी, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। अगस्त 2020 में मेरे पापा को फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था। कंडीशन बहुत क्रिटिकल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर जब उन्हें कोरोना हुआ था तो वो योगा वगैरह करते थे, उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, तो उनका इम्यूनिटी इतना वीक नहीं था, और खांसी जुखाम बुखार गले में प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे थे। और ट्रीटमेंट के बाद, टेस्ट वगैरह कराने के बाद थोड़ा टाइम लगा, बट वो रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। हमने दो बार उनका कोरोना टेस्ट करवाया और दोनों बार ही उनका नेगेटिव आया, लेकिन सिम्टम्स थे। तो हमने प्राइवेट में भी करवाया एक बार, और जब हमने प्राइवेट में करवाया तो वहाँ पर पॉजिटिव आया। तो वो क्या प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट में करवाया था तो नेगेटिव आ रहा था और प्राइवेट में करवाया तो पॉजिटिव आ रहा था, वो मुझे नहीं पता। बट उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और धीरे धीरे फिर वो रिकवर भी करने लग गए थे। और उसके बाद अक्टूबर में मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर के साथ दशहरा था, मेरे घर आए। मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, मेरे फादर मेरे ब्रदर के साथ दिल्ली रहते थे शाहदरा में, और त्यौहार था तो वो आए। बट उस दिन भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। वो आए, आके वो लेटे ही रहे, सो गए आके, और टीका किया जैसा दशहरे पे होता है, और फिर खाया, खाना खाया और चले गए। तो उस टाइम तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन उनके अंदर कोरोना था, बिकॉज जिस बेड पर वो सोए थे उस बेड पर उसके बाद मेरे हस्बैंड सोए। और उस टाइम तक हमको ये था कि भाई अब पापा ठीक हो गया, तो हमने इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिया, और उस बेड पर सोने की वजह से मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, उनके साथ मुझे हुआ। और उस दौरान मैं अपनी सिस्टर की फैमिली के साथ बहुत इंट्रैक्शन में थी, तो मेरी सिस्टर को भी हुआ। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन होके रह गया। मेरा और मेरी सिस्टर को सीवियर हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि हमको बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, गुरुजी साथ थे, गुरुजी ने बचाया। थ्रोट इन्फेक्शन था, खांसी थी, जुखाम था, बुखार भी था। दो दिन तो इतनी हालत ख़राब थी कि ना उससे उठा जा रहा था ना मेरे से उठा जा रहा था। और उसी टाइम पे मेरा चार दिन के लिए टेस्ट भी गया, मेरी सिस्टर का एक दिन के लिए टेस्ट गया। तो ये सारे सिम्टम्स हमें बता रहे थे कि हाँ हमें कोरोना हो चुका है, बट गुरुजी ने इतनी परमिशन नहीं दी कि हम सारी फॉर्मेलिटीज़ करें, हम टेस्ट कराएं, ये कराएं, वो कराएं। हम बच्चों के साथ भी थे, और जब तक हम इन सारी चीज़ों को महसूस करते कि हम कोरोना के दौर से गुजरे हैं, तब तक वो ठीक हो गया था। 31 अक्टूबर को गुरुजी ने बादाम वर्षा करी ग्रेटर नोएडा में मेरे घर में। उस दिन हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमसे बैठा नहीं जा रहा था। गुरुजी ने बादाम वर्षा क्यों करी वो हमें तब पता चला जब हम ठीक हो गए। गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद खिलाया हमें, गुरुजी ने अमृत पान कराया। गुरुजी जब बादाम वर्षा हुई, गुरुजी जिस सिंहासन पे आकर बैठे थे, जिस चौकी पे उन्होंने पैर रखा था, उसमें से जल निकला। जब हमने वो चौकी देखी तो उस चौकी पे जल था, वो चरण गुरुजी के चरणों से जल निकला हुआ था, अमृत था, हमने चखा। गुरुजी हमें वो दवाई ही देने आए थे, और मैंने और मेरी सिस्टर ने रिकवर करा। पापा का भी उस टाइम तक इतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी, चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे और चीज़ें हम नोटिस कर रहे थे। उन्हें निमोनिया हो गया नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास, और जब उन्हें निमोनिया हुआ तो लंग्स पे पैचेस आ गए। हम गए तो उनका निमोनिया का ट्रीटमेंट के लिए थे, बट डॉक्टर ने दोबारा से कोरोना का टेस्ट करा तो वो दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगस्त में जब पापा को फर्स्ट टाइम पे कोरोना हुआ था, तो एक दिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि पापा हाथों में आ गए थे, आँखें उनके ऊपर चढ़ गई थी,
एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगा था कि उनकी सांस उन्हें नहीं आ रही, और एकदम से इतना लंबा उन्होंने ब्रीथ करके वो खड़े हो गए जैसे किसी ने उनको पंपिंग किया हो, उनको सांस दी हो। गुरुजी हमेशा उनके पास रहते थे, बहुत ब्लेस करा है गुरुजी ने मेरे फादर को, और जिस कमरे में गुरुजी के स्वरूप लगे होते थे मेरे पापा उसी रूम में थे। आप ये देखिए संगत जी, 2 बार पापा को कोरोना हुआ, मेरे ब्रदर के 3 छोटे बच्चे हैं, उनमें से किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ जबकि वो साथ में ही रह रहे थे। मेरी भाभी, मेरे ब्रदर सब साथ में रह रहे थे, किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी गुरुजी ने नहीं होने दी। लेकिन वो मेरे फादर पे वो प्रॉब्लम आनी थी तो उन्होंने वो चीज़ें झेली। सेकंड टाइम कोरोना हुआ, वो भी निकल गया, निमोनिया में लंग्स पे पैचेस आ गए, और 27 नवंबर मॉर्निंग में 10 o'clock मेरे फादर गुजर गए, मेरे फादर गुरुजी के चरणों में चले गए। ये सारा कुछ होने के बाद भी जब हमने उनका जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हमने करे, तो मैं, मेरी मामा नहीं है, और तो हम तीनों भाई बहन एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि हेल्पलेस हो गए थे, बिकॉज़ घर में कोई बड़ा नहीं था, जैसा जिसने सजेशंस दिए हमने वैसे कर लिए। तो पापा का कोरोना की वजह से लोग नहीं आ रहे थे, सारे जो भी रिलेटिव्स थे वो नहीं आ पा रहे थे, तो सब ने यही सजेस्ट करके सब ने यही सोचा कि जल्दी से जल्दी निपटाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ऑब्जेक्शंस हो रही थी और क्राउड नहीं इकट्ठा होने दे रही थी, पुलिस, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो 4 डेज़ में पापा का सारा जो देरवी वगैरह होता है वो हमने पंडित से पूछ के करवा लिया। बट ये था कि मैं और मेरी सिस्टर पूजा आंटी जो है, हमें संतुष्टि नहीं थी, हम दोनों बहुत बेचैन थे, क्यों थे हमें नहीं पता। मैं अपनी सिस्टर को ये कह रही थी, मैंने कहा कुछ अनकंफर्टेबल सा है, क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे तो पंडित जी ने ये बोला था कि अगर आप ऐसा कुछ जल्दी करना चाहते हो तो या तो वो 3 दिन का होता है, या 5 का होता है, या 7 का होता है। पापा का 4 दिन में हो गया था, बट बच्चे ही कहेंगे हम, हमारी नहीं चली, रिलेटिव्स जो और मेरे चाचा था वो वगैरह थे, उन्होंने जो डिसाइड करा वो हो गया। उसके बाद संगत जी चीज़ें चलती रहीं, धीरे धीरे हमने अपने आसपास बहुत नेगेटिविटी महसूस करनी शुरू कर दी, हम तीनों भाई बहनों ने। हमें ये महसूस हो रहा था कि जैसे पापा को मुक्ति नहीं मिली है, वो हमें कुछ कह रहे हैं। हमें अपने ही घर में डर लगने लग गया था, सिगरेट की इतनी स्मेल आने लगती थी, कहीं भी कभी भी ऐसा लगता था जैसे घर में कोई चल रहा है। मेरी सिस्टर को 2 बार महसूस हुआ कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है, सोते टाइम किसी ने उसके शोल्डर को टच किया है। उसने 2-3 बार परछाई महसूस करी कि कोई ब्लैक सी परछाई थी, रेड कलर की उसकी आईज थी। तो बहुत सारी नेगेटिविटी हम तीनों भाई बहन अपने घर में महसूस कर रहे थे, और मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। पापा जिस कमरे में रहते थे उस कमरे का गेट वो बंद करके सोने लग गए थे, रात को जब कभी उठता तो गेट खुला होता था, और पूरे घर में वही सिगरेट की स्मेल आने लगती थी। तो मैंने जैसे पहले भी अपने सत्संगों में नितिन अंकल के बारे में शेयर किया है, हमने उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करी कि हम अपने ही घर में क्यों डर रहे हैं, ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, जबकि गुरुजी की गद्दी सेवा है, गुरुजी साक्षात विराजमान हैं घर में, मेरे भी और पूजा आंटी की भी जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं। तो तब उन्होंने हमें एक चीज़ बोली थी कि जो ये रिश्ते हैं ये तब तक रहते हैं जब तक इंसान शरीर में है, जब वो आत्मा निकल जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ जुड़ जाती हैं। और तुम दोनों बिल्कुल सही चीज़ महसूस करिए, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, क्यों, क्योंकि उनका 10वां नहीं हुआ। हमें नहीं पता था संगत जी, पापा का 10वां नहीं हुआ था, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा डर लगता जा रहा था। नितिन अंकल ने मेरठ में एक पंडित जी से बात करी, हमने सारे रिचुअल्स दोबारा करे, सब कुछ शांत हो गया, और ये जब सारी चीज़ें हो रही थी तो हमें नितिन अंकल से बार बार मैसेज यही मिलता था कि गुरुजी का हर पल शुक्राना करो, जो तुम लोगों ने महसूस करा है ना, वो जो हो सकता था उसका 1% भी नहीं है। अगर गुरुजी साथ नहीं होते तो तुम लोगों को नहीं पता कि क्या होने वाला था, तुमको तुम्हारे पापा हर जगह दिखने लग जाते। गुरुजी थे साथ जिन्होंने तुम तीनों की हाथ पकड़ रखा था, तुम तीनों को अपनी छत्र छाया में ले रखा था, जो वो नेगेटिविटी तुम तक नहीं पहुँची। गुरुजी का हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना है, गुरुजी ने कैसी कैसी चीज़ों से हम तीनों की रक्षा करी, क्योंकि वो जो डर था वो डर मन में ऐसा बैठ गया था कि जहाँ 8 बजते थे
अंधेरा होता था और हम तीनों का मन करता था अपने घर से बाहर भग जाएं, ऐसी कंडीशन खड़ी हो गई थी। लेकिन जब वो दोबारा से सारे रिचुअल्स हुए उसके बाद फॉर अ टाइमिंग सब सुकून शांति हो गई थी। थोड़े टाइम के बाद फिर वही चीज़ें वापस होने लगी, फिर वही चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, घर में वही सारे एक्टिविटीज़ दोबारा होने लग गई। तो उसके बाद मेरे हमने जब नितिन अंकल से बात करी तो कुछ मेरे पापा की इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई थी, जिसमें से एक डुगरी जाना था। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मैं तुम सबको डुगरी लेके जाऊंगा, और फेबररी में हम लोग डुगरी होकर आए। बट मेरा ब्रदर नहीं जा पाया किसी रीज़न से, मैं और मेरी सिस्टर ही गए, जबकि पापा कहते थे कि तीनों जाना, तीनों को लेके जाऊंगा, तीनों भाई बहनों की फैमिली जाएगी। बट वो नहीं गया, रीज़न था कुछ ऐसा, वो नहीं जा पाया, या मैं ये कहूँगी कि उसका बुलावा नहीं था। हम तीनों भाई बहनों को ये चीज़ें फेस करनी थी, तो सिचुएशंस अपने आप बनती चली गई। हमने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर माफ़ी मांगी, पापा से भी, गुरुजी से भी, कि हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें माफ़ करना। उसके बाद हमने शुक्राना सत्संग करा, क्योंकि चीज़ें गुरुजी की कृपा से फिर स्मूथ हो गई। फिर हमने उन चीज़ों को महसूस करना बंद कर दिया। इतने सारे अप डाउन्स, मैंने जो भी सत्संग पूरा आपको बताया है उसमें इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, कि कभी ऐसा लगता था सब ठीक है, कभी एकदम से डर लगने लग जाता था। तो जब सारा कुछ हमने डेली गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी शुरू करी, गुरुजी से, पापा से, तो हमें एक दिन गुरुजी से मैसेज मिलता है, शुक्राना सत्संग करो। हमने शुक्राना सत्संग करा, और वो सत्संग मेरे ब्रदर के घर होना था। मेरे ब्रदर के घर सत्संग हुआ। उस दिन गुरुजी ने ग्रीन कलर का चोला पहना, और संगत जी, जब गुरुजी आकर विराजमान हुए वेलकम बैंड के बाद, हमने साक्षात सिंहासन पे मेरे पापा को और गुरुजी के सर को जुड़े हुए देखा। इतना क्लियर था वो, इतना क्लियर था कि उन दोनों का सर एक दूसरे से मिला हुआ है। जब हमने वो फोटोज़ नितिन अंकल को भेजी तो नितिन अंकल ने बोला, यही चीज़ थी जो तुम्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि वो गुरुजी के नज़दीक नहीं आ पा रहे थे। गुरुजी ने उन्हें मुक्ति दे दी थी, गुरुजी ने उन्होंने उन्हें अपने अंदर समा लिया था। वो जो सर जुड़ा था गुरुजी का और मेरे फादर का, वो बहुत ज़रूरी था जुड़ना, नहीं तो वो प्रेत योनि में चले जाते। ये चीज़ें मेरे लिए तो ऐसी थी जैसे, एक कहते हैं ना कि जब बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है तो उसे सब कुछ नया लगता है। मैं 38 ईयर्स की हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ें नहीं सुनी, तो मेरे लिए तो ये ऐसा था कि पता नहीं बस क्या हो रहा है, कैसे इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, कैसे हम इन चीज़ों से ख़त्म कर पाएंगे, कैसे पापा सुख शांति से जहाँ भी गुरुजी ने उन्हें रखा है वहाँ रहेंगे। उस सत्संग के बाद संगत जी, आज तक, वो दिसंबर में सत्संग हुआ था, दिसंबर से लेके आज तक गुरुजी का इतना शुक्राना है, सब सुकून शांति से गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, गुरुजी का बेअंत शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। दिल से गुरुजी के लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राना निकलता है, हर सांस के साथ शुक्राना निकलता है। कैसी कैसी समस्याओं से गुरुजी हमें बचाते हैं, जो कि हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होती और हमें पता भी नहीं होता। वो जो हमने 5-6 महीने फेस करे हमारे लिए, वो इतने ज़्यादा, मैं डेंजरस ही कहूँगी, क्योंकि इंसान अपने घर में रहता है तो सुकून शांति से रहता है, घर में ही डरेगा तो कहाँ जाएगा। कोरोना की वजह से हालात ऐसे थे कि बड़े मंदिर जाना भी नहीं हो पा रहा था, हमें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी तो परमपिता परमेश्वर हैं, हर चीज़ गुरुजी के हाथ में नहीं है, लेकिन गुरुजी के हाथ में सब कुछ है। वो चीज़ें होनी थी, उन चीज़ों का होना लिखा था, लेकिन उन चीज़ों से निकालना भी गुरुजी के हाथ में था। गुरुजी का बेअंत शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखिए, हर संगत की परेशानियां ऐसी ख़त्म कीजिए। गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना है, गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे मम्मी पापा जहाँ भी हैं, बस वो सुकून शांति से रहे। मेरी गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही दुआ है कि वो जहाँ भी हैं बस आप सुकून शांति से रहे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। थैंक यू सो मच संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।